पाकिस्तान के साबिक कप्तान, फास्ट बॉलर और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कोकीन का नशा करने का इतराफ किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वसीम अकरम ने कैरियर ख़त्म होने के बाद कोकीन का नशा करने का इंकशाफ अपनी ऑटोबायोग्राफी सुल्तान ए मेमोरी में किया है। इन्होंने कहा कि कोकीन के नशे की आदत रिटायरमेंट के बाद 2003 में हुई। पहली बीवी हुमा की 2009 में मौत के बाद कोकीन का नशा छोड़ दिया था। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि मेरी पहली अलिया हुमा को मेरी जेब से कोकीन मिली थी। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कोकीन का नशा ऐसा होता है कि इसकी एक लाइन दो, फिर दो चार और चार लाइनें एक ग्राम और दो फिर दो ग्राम बन जाती हैं। वो इस तरह ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही सो पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें हर नशे की तरह सर में दर्द रहता था और वो मूड स्विंगर का शिकार रहते थे। वसीम अकरम ने इतराफ़ किया कि कैरियर ख़त्म होने के बाद 2003 में नशे की आदत हुई। वसीम अकरम ने इंकशाफ किया कि उन्हें पहली बार इंग्लैंड में एक पार्टी के दौरान कोकीन की ऑफ़र हुई। इन्होंने बताया कि मैंने पार्टियाँ करना शुरू कर दी थी। सबसे बेहतरीन यह था कि कोकीन का नशा मेरी आदत बन गई थी। वक्त के साथ साथ मेरी कोकीन की आदत शदीद होती गई। एक वक्त में मुझे महसूस होता था कि मुझे काम करने के लिए इसकी ज़रूरत है।